हो गए लाइव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो चलिए भैया, पूरे 5 बज गए हैं और 5 बजे हम लोग आ चुके हैं लाइव। कि हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर। तो बताइए, आज कितने बच्चे बिहार एसएससी का एग्जाम दिए हैं या कल दिए थे? ऐसे लोग हैं क्या जो एग्जाम दे के आए हैं बिहार एसएससी वाला? राम 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 राम। मुकेश, प्रियंका, रंजीत, नीतीश, रोशन, हर्ष, पूनम, लक्ष्मण, अभिनंदन, सागर, बाकी सब डॉट 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 ईटीसी। तो कितने लोग जो है सो एग्जाम दिए हैं? हाल एकदम बढ़िया है। बिहार एसएससी वाला दिए हैं एग्जाम? आया था मैथ रीजनिंग बुझाया था। बोलिए। अच्छा, हाँ, पेपर तो लीक हो ही गया है कल फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए, हाँ बुझाया है। चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि जो पढ़ाए हैं वही सब क्वेश्चन आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल करके बताया है तो आना ही है। आइए, आज आप लोगों के फरमाइश पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज अर्थमेटिक का सबसे खतरनाक टॉपिक है। खतरनाक टॉपिक इसीलिए इसे कहा जाता है कि देखिए, ज्यादा इसमें तो रूल फॉर्मूला है नहीं। हाँ, अलग अलग मेथड जरूर है एक ही सवाल के बनाने का, लेकिन ये कैलकुलेटिव होता है थोड़ा सा। क्या होता है ना, इसके कैलकुलेशन में, ये कैलकुलेशन में थोड़ा हार्ड होता है। जैसे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, या आप टाइम एंड डिस्टेंस और पढ़े होंगे, टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे, तो उसमें उतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होता है, हार्ड होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज में समस्या होती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में समस्या नहीं होगी, बहुत आसानी से आज आप सीखेंगे। तो चलिए, और एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, इस क्लास को, ताकि मजा आ जाए। हमें जब क्लास में बच्चे ज्यादा होते हैं तो फिर ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। बाकी राहुल कैसे हो? राहुल ठीक है? बिट्टू, सोनू, सुक्खू लाल, मुकेश, सुरेंद्र, संजीव, चलिए सब लोग तो आ ही गए हैं। तो क्लास भर गया। राधे राधे भाई, मंतोष कहते सर मेरा नाम नहीं लेते हो। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। चलिए, तो सब लोग यहां पर समझ लीजिए। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज की क्लास पहले हुई थी, आप सबको पता है, हैं? तो भैया, आप इतना तो जानते ही होंगे, पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी क्या? मूलधन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ए मतलब अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन कहते हैं ना, रेट, रेट आर से रेट, यानी कि दर होता है, दर प्रतिशत। और टी मतलब टाइम, हिंदी में इसको समय कहते हैं। तो हमें पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में यही सारी चीजें पूछी जाएगी कि बताइए मूलधन कितना होगा, बताइए मिश्र धन कितना है या होगा। यही पूछेगा कि बताइए दर प्रतिशत क्या है, पूछ सकता है समय क्या है। तो ये चार बात पूछी जाती है हमें, बचपन में ही आपने पढ़ा है,
लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग टेक्निक से पढ़ते हैं, वो सारे फॉर्मूला को छोड़ के पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि सवाल हमें झट से फट से बनाना पड़ता है एग्जाम में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको आज क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे, इसके दो तीन क्लास हम लेंगे ताकि टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि आसानी से आपको समझ में आए, ठीक ना। चलिए सर, आज विपिन सर के नाम पर मैथ काप रहा था। चलिए, बिहार एसएससी के एग्जाम हुआ है जिसमें बच्चों ने काफी कॉल किए थे मुझे, बोला कि भाई सर आप जो पढ़ा रहे थे सब वही सब क्वेश्चन आया था, कुछ ने तो कहा कि पीछे हमने नहीं पढ़ा था, इधर जो पढ़ा था वो सब आया था। चलिए आइए, सबसे पहले दोस्तों एक बात जान लीजिए कि एक बरस, देखिए सीआई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो ये है साधारण ब्याज, नहीं साधारण ब्याज, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आप इतना जानते हैं साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में एक साल जैसे ही पूरा होता है ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और पूरे पर ब्याज चलता है। जैसे मान लीजिए आपने अगर 1000 रुपया कर्जा में लगा दिया और आपको ऐसा यानी साधारण ब्याज मान लो एक साल में 200 रुपया मिला है, तो फिर नेक्स्ट ईयर भी 200 ही मिलेगा, फिर 200 ही मिलेगा, फिर अगले साल 200 ही मिलेगा। पर चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर 1000 रुपया आपने लगाया था और 200 ब्याज आया है यानी सीआई आया है, तो इसको अगले साल दूसरे साल से 1200 पर ब्याज चलेगा, दूसरा साल मूलधन का ये काम करेगा। जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाएगा और इसमें मान लेते हैं कि 250 रुपया ब्याज आया दूसरा साल, क्योंकि पहले 1000 था, 1200 मूलधन हो गया, तो अगला साल हो गया 1250 यानी तीसरा साल से फिर 1450 पर ब्याज चलेगा, तो फिर ब्याज बढ़ जाएगा। यानी होता क्या है कि साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है और चक्रवृद्धि ब्याज के केस में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। पर दोस्तों एक बात और है कि एक वर्ष तक का सीआई और एसआई, एक वर्ष तक का सीआई एवं एसआई समान होता है, समान होता है, एक वर्ष तक का सीआई और एसआई समान होता है, याद रखिएगा एक वर्ष तक का सीआई और एसआई समान होता है। चलिए हिंदुस्तानी अमित कहते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पहले नहीं पढ़ा, हेल्प मी प्लीज सर। तो आज आप रोइए नहीं, एकदम क्लास में बने रहिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समझेंगे नहीं। चलिए, एक वर्ष तक का सीआई और एसआई क्या होता है, समान होता है। दोस्तों याद रखना जब हम एसआई की बात करेंगे तो समझना आर इंटू टी, आर इंटू टी ये होता है परसेंटेज ब्याज, परसेंटेज ये ब्याज निकल जाता है, प्रतिशत में ब्याज निकल जाता है। जैसे अगर रेट हम 5% कहें, टाइम आपको कहें 2 वर्ष, तो झट से अगर मैं एसआई आपसे पूछूं तो एसआई बता देना दोनों गुना करके 5 × 2 = 10%। अगर रेट 5% है, टाइम 2 वर्ष है, तो एसआई 10% हो जाएगा, जबकि सीआई 10.25% होगा इस रेट से इस टाइम में। लेकिन ये कैसे हुआ ये आपको अभी पता नहीं चला, अभी पता चलेगा आपको। सुनिएगा, एसआई आपको याद हो गया है कि एसआई होता है आर इंटू टी, प्रतिशत ब्याज के लिए। मैं अगर कहूं कि रेट है 5% और टाइम है 7 वर्ष, तो बताइए साधारण ब्याज कितना होगा, एसआई कितना होगा, जरा बताइए एसआई कितना होगा बताइए। अगर आप 2 क्लास हमारे साथ बिताते हैं फिर आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है, जरा बताइए कमेंट करके सब लोग।
कि अगर रेट 5% टाइम 7 वर्ष तो आप जानते हैं 35% हो जाएगा। नहीं दोस्तों, याद रखना, अगर मैंने आपको ऐसे कह दिया कि मूलधन जो है भैया, मूलधन जो है से 10,000 रुपया है, रेट है 5%, टाइम है 6 वर्ष, तो बताओ कि रुपया में ब्याज कितना होगा, एसआई कितना होगा। प्रतिशत में कहेंगे तब तो 5×30%, लेकिन अगर आपको बताना है रुपया में तो 5×30% तो होगा, लेकिन 30% किसका, जो मूलधन है उसका। यानी 10,000 रुपया है तो 10,000 का 5×30%, प्रतिशत से 2 जीरो कटता है, 30 में 100 से गुना, 30 में 100 से गुना 3,000 रुपया साधारण ब्याज होगा। ये तो हो गई साधारण ब्याज वाली बात। वाह बहुत अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि ये साधारण ब्याज हुआ दोस्तों। तो एक बरस के सीआई एवं एसआई क्या होता है, समान होता है, समान होता है ना, अभी बोले हैं समान होता है, सुनिए। और यह दर प्रतिशत, यह दर प्रतिशत के बराबर ही होता है, बराबर ही होता है, इस बात को भी समझना जरूरी है। एक वर्ष तक का सीआईएसआई समान होता है और यह दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। अगर मैं कहूं कि रेट है 7%, टाइम है 1 वर्ष, सुनिएगा, तो एसआई अगर आपको पता करना हो तो 7×7 7%, सीआई भी पता करना हो तो 7%। एक वर्ष का सीआई या एसआई समान होता है, अगर एसआई 7% है तो सीआई भी 7% होगा और रेट भी 7% है। यानी एक वर्ष के लिए दोस्तों, 1 ईयर के लिए क्या होगा, जो रेट होगा वही सीआई होगा, वही एसआई होगा प्रतिशत में, ठीक ना, किसमें, प्रतिशत में। तो ये बात आपको जानना जरूरी है। एक वर्ष का अगर आपको परसेंटेज ब्याज पता है तो दर भी निकल जाएगा, एक वर्ष का परसेंटेज ब्याज दर ही होता है। हाँ, एक वर्ष का परसेंटेज ब्याज क्या होता है, दर होता है। रेगुलर क्लास कैसे मिलेगा, अभी हम डेली 5 बजे आते हैं पढ़ाने, कल नहीं आए थे। सुनिए, अब रही बात की फॉर टू ईयर दोस्तों, एक बात हमें यह भी पता है, 2 साल के लिए आप अनुपात में निकालते हैं, 2:1 करते हैं 2 ईयर के लिए, 3 साल का रेशियो जब आप निकालते हैं तो ऐसे करते हैं, 3 से शुरू करते हैं 2×1 3, फिर रेशियो ये लिखते हैं। अगर 4 साल का ये हमको निकालना है तो पहले 4 लिखते हैं, फिर 3×3 6 लिखते हैं, फिर 3×1 4 लिखते हैं, फिर लास्ट में 1 लिखते हैं। ये रेशियो मुझे याद है, हम रेशियो भी बताएंगे, पर हमें किस चीज का कब इस्तेमाल करना है और जल्दी से मेरा कब सवाल बनेगा, इन चीजों को जानने के लिए, और किस टाइप का सवाल होगा तो कौन तरीका से बनाएंगे जो हमें जल्दी बन जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा हमको संयम रखना होगा आज के क्लास में। हड़बड़ाना नहीं है, जैसे हम सिखाएंगे वैसे आपको सीखना है, यानी जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आपको करना है, जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे और वैसे वैसे आपको मंत्र पढ़ना है, मतलब मंत्र पढ़ना है या विध करना है, ठीक। हाँ चलो ठीक है, बहुत हंसी आ रहा है आप लोग को। देखिए अभी हम याद करेंगे फॉर टू ईयर, 2 वर्ष का अगर सीआई निकालना हो ना दोस्तों, तो सबसे पहला काम रेट के स्क्वायर और देना है 0.2 अंक बाद। ये क्यों बता रहे हैं, इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी, देखिएगा सारा रूल फेल हो जाएगा वहां, तेजी से बनाएगा। रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद, ठीक है, अब तब लिखना है प्लस और यहां एसआई, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस एसआई, इतना बात लिख लीजिए, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद और प्लस एसआई। ओम तारा पुक,
चलिए तो रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस एसआई। सुनो जरा, अगर मान लिया जाए कि रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष, ये 2 वर्ष के लिए है सुनिएगा, और आपको निकालना है सीआई। रुपया नहीं है तो रुपया छोड़ दीजिए, परसेंटेज में निकालना रहेगा। तो देखिए, रेट के स्क्वायर करना है 0.2 अंक बाद लिखना है, 5 के स्क्वायर 25 यहां दे दिए, फिर प्लस है तो प्लस एसआई। एसआई तो अभी आपको बताए थे, एसआई क्या होता है भैया, आर इंटू टी, देख लो देख लो देख लो, एसआई रेट गुना टाइम, तो 5 दुना कितना 10, इसको जोड़ोगे तो यही ना होगा 10.25%, समझे कि नहीं, 10.25% हुआ कि नहीं। रेट का स्क्वायर 0.2 अंक के बाद, ठीक है जजमान, यानी जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम विध करेंगे, वैसे वैसे आपको मंत्र पढ़ना है या विध करना है। तो 100 रुपया निकाल लीजिए जजमान, आइए ये देखिए, अभी 2 साल के लिए सीख रहे हैं, अगर रेट हमारा 8% हो, टाइम 2 वर्ष हो, तो हमें अगर सीआई निकालना हो तो क्या करना होगा, रेट का स्क्वायर करके 0.2 अंक बाद बैठा देना है, प्लस एसआई, तो 8 दूना 16, बस हो गया 16.64%। ₹100 निकाल लीजिए जजमान, ठीक है। नीरज पटना से कहते हैं कि गुरुजी प्रणाम, रेलवे टेक्नीशियन में हो गया है, 15 जनवरी को ज्वाइन करूंगा, कृपया गुरु विपिन सर जी। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, अब शादी विवाह करिए, देश की जनसंख्या को बढ़ाइए, और बाराती में हम लोग को बुलाइए, रसगुल्ला के रस जो है से गार को हम लोग खाते हैं, टेबल के नीचे हाथ घुसा के रसगुल्ला के रस गार दिया जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज आप समझ गए दोस्तों, अगर यही आपको एसआई निकालना रहता तब कितना होता, देखिए तब एसआई 8 दूना 16, 16%। अब अगर सीआई एसआई में अंतर 2 साल का, तो ये हो जाता 0.64% का अंतर। अब क्या होगा ना कि जब 2 बरस के सीआई एसआई का अंतर रुपया में कुछ देगा, तो झट से उसके बराबर लिख देंगे, मूलधन पूछेगा 100% के मान निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसलिए इस सब चीज सीखना है, कुछ सवाल ऐसा होगा जो इसी से बनाइएगा तो जल्दी बनेगा, और कुछ सवाल ऐसा आएगा जो इससे बनाइएगा तो जल्दी बनबे नहीं करेगा। अब देखिए, तो कौन सवाल कब जल्दी बनेगा ये हम बताएंगे आपको। दोस्तों अगर रेट है मान लीजिए 10%, टाइम है 2 वर्ष, और आपको निकालना है सीआई, तो कितना प्रतिशत हुआ बताइए, बताइए बताइए। योगी सिंह कहते हैं मैंने आपकी पहली बार क्लास ली है, बहुत मजा रहा है, एकदम मजा आएगा, तो बताइए जरा, रेट के स्क्वायर करना है 0.2 अंक बाद लिखना है, बनाइए जरा इसको, देखो करना क्या है, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, रेट के स्क्वायर करना है 0.2 अंक बाद, प्लस एस आई, तो 10 दूना 20। अब भैया इसको इधर जोड़ सकते हो, 0.2 के इधर है 1, तो 20 1 कितना हुआ, 21%। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे हम लोग, अब कैसे सोचेंगे इसको, 21% को ऐसे लिखेंगे, देखो रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद, तो यहां तक ठीक है, 0.2 अंक बाद 10 के स्क्वायर 100 हुआ, 2 अंक बाद 0.1, तो 1 को हासिल में रखेंगे, आ ऐसा ही लिखेंगे, 10 दूना 20 1 21, यानी बस हो गया 21%। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अगर रेट मैं आपको 15% दे दूं, टाइम 2 वर्ष दे दूं, तो क्या आप निकाल देंगे सीआई, निकाल देंगे बताइए, 15 के स्क्वायर 225, 225 के 25 लिख दीजिए हाथ में, 2,
ताकि दशमलव दो अंक बाद बैठा दिए हाथ में दू, 15 × 2 = 30 आ 2 = 32 यानी 32.25%। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेट हो 20%, टाइम हो 2 वर्ष और आपको पूछ देगा कि बताइए, आए कह देगा कि 20% के दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना प्रतिशत का अंतर आएगा, सवाल ऐसे कह देगा। अंतर तो हम अभी सिखाएंगे, लेकिन पहले कह देगा कि 20% के दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत होगा। 20 का स्क्वायर 400, 2 अंक लिख देंगे हाथ में 4, 20 × 2 = 40 और 4 = 44% हुआ भैया, सीधा ही 44% हुआ। अब दोस्त एक बात बताओ, आपने देखा कि 2 वर्ष के सीआई निकालने के लिए हमने किया था रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद और प्लस एसआई, यही फॉर्मूला लगाया था ना, दशमलव 2 अंक बाद। अच्छा याद हुआ कि नहीं ये बोलिए, अंक बाद याद हुआ कि नहीं, याद हुआ सो बताइए ना हमको, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद ये याद हो गया ना, बोलिए याद हो गया ना, याद हो गया ना। अब सुनिए, एसआई इधर है प्लस में, इसके साथ इधर लाएंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस में ना हो जाएगा। ये 2 साल के लिए आप निकाले हैं, 4 2 ईयर, 2 साल के लिए आप निकाल रहे हैं, बताइए अगर ये एसआई उधर प्लस में है आर स्क्वायर के साथ, इधर बुला लेंगे माइनस में हो जाएगा, तो सीआई माइनस एसआई हो जाएगा ये 2 साल का, 2 साल का, और उधर बच जाएगा रेट के स्क्वायर दंडनाइत 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद। सुनिए ना, सुनिए ना, इधर 0.2 अंक बाद सिर्फ। यानी अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा हो, क्वेश्चन ऐसा हो कि रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष, तो सी आई एस आई के बीच कितने का अंतर होगा, अगर ये पता करना हो, रेट के स्क्वायर करिए 0.2 अंक बाद बैठा दीजिए, बस हो गया 0.25% का अंतर। अखिया लरल बजब से दिल में करार नहीं खे। भैया एक बात बताइए, ये और आसान है कि नहीं, 2 वर्ष का सी आई एस आई निकालना हो तो अंतर, 2 वर्ष के सी आई एस आई का अंतर तो निकालना और आसान है। रेट अगर 7% हो, टाइम अगर 2 वर्ष हो और आपको कह दे सी आई एस आई का अंतर बताइए कितना का, सी आई एस आई का अंतर कितना का, तो सुनिए रेट के स्क्वायर करिए 0.2 अंक बाद दीजिए, लीजिए हो गया। चलिए अब देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि रेट है 10%, टाइम है 2 वर्ष, तो सी आई एस आई में अंतर कितना होगा, सी आई एस आई में अंतर बताइए आप लोग, लेकिन वीडियो शेयर नहीं करते हैं, इतना अच्छा से मन लगा के पढ़ाते हैं तैयो आप लोग। चलिए बताइए, तो 10 का स्क्वायर 100 और 0.2 अंक के बाद 100, बस यानी 1% का ही अंतर होगा सी आई एस आई में, 1% का अंतर आएगा। दोस्तों अगर ये कह दे कि 7% के दर से 2 वर्ष में सी आई एस आई का अंतर, सी आई एस आई का अंतर 98 रुपया का है, तो पूछ देगा कि मूलधन बताइए कितना होगा। देखिए मूलधन पूछ देगा कितना होगा,
लाइव 5 बजे आते हैं। देखिए सीआईएसआई का अंतर है तो अंतर कर लेते हैं, अंतर कैसे कर लेंगे इस सवाल हमारा हो गया। देखिए तो रेट के स्क्वायर 0.2 अंक के बाद 7 के स्क्वायर 49 हो गया 0.2 अंक बाद, इतना प्रतिशत का अंतर आएगा जबकि अंतर है 98 रुपया का, ये दोनों अंतर है तो 100% का मान मूलधन हो जाएगा। तो 98 अब बटा देखिए 0.49 गुना क्या यहाँ 100, दशमलव को हटाएंगे तो 2 गो 0 और यहां सटा देंगे, 49 दूना 98 यानी 2 पर कै 0 रे भाई, 2 पर कै 0 4 0, 20,000 रुपया हुआ मूलधन। 2,200 मारते हो, होश में आओ। समझे क्या? तो ऐसा सवाल जब भी हमें बनाना रहेगा तो हम ऐसे बना लेंगे। अगर कह दे कि 8% के दर से 2 बरस में, भैया 2 बरस में सीआईएसआई का अंतर जो है 32 रुपया का है, तो बताओ कि मूलधन कितना होगा? 3 बरस वाला बताएंगे, रुकिए ना सर जी, आप स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो केकरा पर ध्यान दे रहे हैं? केकरा पर ध्यान है रे पगला, केकरा पर ध्यान है? सही जवाब दीजिए सब लोग। देखिए रेट है कितना हमारा 8%, टाइम 2 वर्ष, सीआईएसआई का अंतर है तो झट से अंतर करेंगे, 8 के स्क्वायर 64.2 अंक बाद, तो इतना प्रतिशत का अंतर जबकि अंतर है 32 रुपया का, 32, अब 100% का मान निकाल देंगे तो मूलधन हो जाएगा, तो 32 बटा कितना ये 64 गुना 100, ठीक है। अब देखिए दशमलव अगर यहां से दशमलव हटाते हैं तो 2 जीरो और यहां चला जाता है, ये दशमलव हमने हटा दिया है तो 2 जीरो वहां गया, अब 32 दूना 64 और 2 से 10,000 को काटेंगे 5,000 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आप आगे हम रेशियो मेथड भी जानेंगे कि रेशियो मेथड हम कब लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों एक बात बताइए अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगेगा फॉर 3 ईयर, लेकिन आपको घबराना नहीं, कई ट्रिक है, कई तकनीक है जो हम आपको आदत लगा देंगे कि कौन सवाल को बनाते टाइम कौन वाला मेथड से चलना है, ठीक ना, कि हम सवाल को जल्दी से बना लेंगे। चलिए आइए अब देखिए 3 साल का अगर सीआई निकालना हो, गौर करिएगा एक बार इधर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, अमरी ध्यान यहां नहीं दीजिएगा। तो अगर 3 साल का सीआई निकालना हो तो पहला काम, 3 साल है तो रेट का क्यों करना है, पहला काम रेट का क्यों, दूसरा काम एसआई गुने आर लीजिए, और तीसरा अच्छा इसको भी 2 अंक में और इसको भी 2 अंक में, दोनों को 2-2 अंक में, 2-2 अंक में लिखना है, अंक में लिखना है, 0.2 अंक बाद ना देना है, में दोनों को 2-2 अंक लिखना है, दोनों का 2-2 अंक लिखना है, यहां लिखेंगे दोनों को 2-2 अंक में लिखना है, ठीक, और तब देना है इधर 0.2 और तब एसआई, 3 गो काम करना होगा इसमें, क्या काम, पहला काम रेट का क्यों, दूसरा काम एसआई गुने आर, 0.2 देना है तब एसआई, लेकिन इन सबको 2-2 अंक में ही लिखना है, ध्यान रहे एसआई आपको पता होगा आर इंटू टी होता है, अभी ये हम बताए हैं, अभी ये बताए हैं
कि अगर रेट रहेगा 6% और टाइम रहेगा अगर 4 वर्ष, तो आपको अगर ऐसा ही निकालना हो तो 6×24% ऐसे होता है ऐसा ही। तो 3 वर्ष के लिए पूछा जाता है, कभी काल 4 वर्ष का पूछा जाता है। अभी हम सब सीखेंगे। चलिए, इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कहीं हार्ड ना हो जाए, हार्ड नहीं होगा। देखो, रेट हम लेते हैं मान लो 4%, टाइम लेते हैं 3 वर्ष, और निकालते हैं हम लोग सीआई। सीआई निकालने के लिए पहला काम हम क्या करेंगे, रेट का क्यू, 4 का क्यू कितना होता है 64, 2 अंक है तो 2 अंक लिख दिया। अब है एसआई गुणियार, एसआई कैसे होता है, 4×12 आर इंटू टी, एसआई होता है आर इंटू टी, तो 12 में फिर आर से गुना, तो 12×48, 2 अंक है तो 2 अंक लिख दिए। अब आ जाएगा दशमलव, अब एसआई, तो एसआई 4×12, यानी इतना प्रतिशत का अंतर आ जाएगा सीआई एसआई में। अगर आपसे पूछ देगा कि 4% के दर से 3 वर्ष के सीआई एसआई में कितने प्रतिशत का अंतर होगा, तो यही करना होगा। और इससे फास्ट आप प्रतिशत में अंतर लाने के लिए, सॉरी सीआई निकालने के लिए, प्रतिशत में सीआई निकालने के लिए इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता। टाइम एंड वर्क तो अभी ये पढ़ा रहे थे। आइए जरा समझिएगा दोस्तों, अगर रेट मान लो कि 5% हो, टाइम अगर हमारा 3 वर्ष हो तो सीआई और एसआई निकालिए। पहला काम रेट का क्यू, 5 का क्यू 125, 125 के 25 लिखिए हाथ में, एक कहे कि 2 अंक लिखना है दाहिने साइड से। फिर एसआई, तो 5×15 एसआई गुने आर, तो एसआई हुआ 15, और 15×75 हासिल वाला एक 76, 76 2 अंक के होता है, तो 2 अंक लिखे, हासिल कुछ नहीं बचा। दशमलव है तो दशमलव, अब एसआई लिखते हैं लास्ट में, तो 5×15 यानी 15.7625% हो जाएगा। ठीक है, आराम से धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई इसमें। सुनो, अगर 4% हो, टाइम आपका 3 वर्ष हो, तो क्या निकाल सकते हैं सीआईएसआई का अंतर बाद में बताएंगे, पहले सीआई निकालिए। 4 का क्यू करिए 64, 2 अंक में लिख दिया। अब 4×12, 12×48 लिख दिया, लास्ट में 4×12, बस 12.4864%। अभी समझाएंगे, चिंता ना कीजिए। पहले तो ये हमें बताइए कि इतना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, ये आपको निकालने आया, यानी कोई भी राशि हो, अगर 10,000 है तो 10,000 का उतना प्रतिशत। लेकिन हम रुपया में निकालने के लिए हम रेशियो मेथड से हम बनाएंगे, ये हमें प्रतिशत में जब जरूरत पड़ेगा तो हम यही तरीका लगाएंगे। दोस्तों, अगर रेट हमारा मान लो कि 8% हो, टाइम हमारा 3 वर्ष हो, तो एक बार निकाल के बताइए सीआई कितना होगा। 8 का क्यू होता है 512, ध्यान देना, 8 का क्यू 512, तो 12 लिखेंगे, हासिल 5 रहेगा, 8 का क्यू 512 होता है। दूसरा काम एसआई गुने आठ, तो 8×3=24, 24×8 है, क्योंकि 8×3 आपने 24 कर दिया, अब 24×8 करना होगा, एसआई इंटू आर, 8×3=24 हुआ एसआई, आर 8×32 के 2 हासिल 3, 8×16=3=19, 192 और 5 197, 197 का 2 अंक लिखना है, यानी 97 लिखना है, हासिल 1 रहेगा। अब 8×3=24, ये तो दशमलव आ जाएगा यहां, अब 8×3=24 एसआई, हासिल वाला 1 25, यानी 25.9712%। जब हमें प्रतिशत में निकालना होगा तो हम ऐसे ही कर लेंगे।
प्रश्न लिख के हल करके समझाएंगे, आप परेशान ना हो। दोस्तों एक बात बताओ, एक बात और बताने दो पहले, तब सीआई बराबर आपने देखा रेट का क्यों पहला काम दो अंक में लिखना था, फिर एसआई गुणे आर इनको भी दो दो अंक में लिखना था, दशमलव दे दिया और एसआई लिख दिया। अब अगर तीन वर्ष के सीआई एसआई का अंतर निकालना हो तो अंतर निकालने के लिए सीआई ठीक है, एसआई को इधर बुला दीजिए तो बच गया उधर जीरो और तब दशमलव और फिर वही सब काम एसआई गुना आर और ये आर का क्यू। याद रहे जितनी भी फॉर्मूला बताए हैं दाहिने से ही काम करते आएंगे, क्योंकि ये एसआई को इधर भेज दिए माइनस में हो गया। अगर हमारा रेट 5% है, टाइम अगर 3 वर्ष है और हमें निकालना है सीआई एसआई में कितना का अंतर हुआ, तो पहला काम रेट का क्यू दो अंक में लिखना है, 5 का क्यू 125 हाथ में एक, अब एसआई गुने आर तो 5 × 3 = 15 हुआ एसआई, अब 15 × 5 = 75 का कि आर से गुना है एसआई में, तो 15 × 5 = 75 हासिल वाला 176 दो अंक लिखा गया, हासिल कुछ नहीं बचा, बस इतना प्रतिशत का अंतर होगा सीआई एसआई में, इतने प्रतिशत का अंतर होगा। संतोष कुमार एक ही वो ज्ञान लगातार पेलोगे तो कमेंट तुमको हम कमेंटे बॉक्स से बंद कर देंगे, कराए कि क्वेश्चन लिख के समझाइए, क्वेश्चन लिख के समझाइए, बोल रहे हैं कि क्वेश्चन लिख के समझाएंगे, पहले हमें पता है कि हम कितना बता लेंगे तब क्वेश्चन कराएंगे। चलिए अगर मान लो कि रेट है आपका 10%, पहले एक बात हमें बताइए कि 3 वर्ष का 10% के दर से केवल सीआई निकाल के बताइए कितना होगा। चलो तुमको मारता हूं ब्लॉक में, बताइए ये सीआई निकालना था आपको, याद होगा पहला काम रेट का क्यू, पहला काम रेट का क्यू, दूसरा काम एसआई गुने आर, लेकिन दो अंक में इसको भी दो अंक में इसको भी लिखना था, तब देना था दशमलव और फिर लास्ट में एसआई, ये हमारा काम बनता है, उधर से काम होता है। 10 का क्यू कितना होता है 1000, 1000 के दो अंक लिखेंगे 10 हाथ में हासिल, अब 10 × 3 = 30 एसआई हुआ, एसआई गुने आर तो 30 × 3 = 300 और 10 हुआ तो 10 लिखेंगे 3 हासिल बचा, दशमलव ये आ गया, अब 10 × 3 = 30 और 3 = 33 यानी बस 33.1% का हुआ, 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। हाँ और इसी में दोस्तों अगर हमें सीआई एसआई निकालना हो तब क्या करेंगे, सीआई एसआई निकालना हो अंतर, सीआई एसआई का अंतर, अंतर ऐसे निकालिएगा कैसे, यहां एसआई खाली धरा गया 10 का क्यू 1000, 1000 के 2 जीरो लास्ट वाला लिखेंगे हासिल 10, दो अंक लिखना है एसआई गुने आर, 10 × 3 = 30 × 3 = 10 तो 310 के 10 लिखिएगा और 3 आ जाएगा इधर, क्या 10 लिखा गया दो अंक लिखना था 3 इधर आ गया, 3.1% का अंतर, 3.1% का अंतर। अब देखिए ये जो आपको अभी पढ़ाया मैंने दिखाया इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी, आइए देखिए अभी हम ये सवाल तो कराएंगे ही, लेकिन अभी जो झट से आपने अंतर वाला पढ़ा, देखिए हम सारा क्वेश्चन को लेके जाते हैं और देखिए क्वेश्चन कहां से आएगा आपके सामने, देखिए ये सवाल, देखिए 12 नंबर सवाल पे, 12 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन सब पूछा गया है आपके एग्जाम में, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या तो यूएसएससी में, रेलवे में, कहीं भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर
31 रुपया है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है? तो अंतर है 31 रुपया। 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में अंतर आया था 3.1% का, जबकि अंतर 31 रुपया का। तो मूलधन निकालना है, 100% का मान निकाल देंगे, 31/3.1 गुना कितना 100, दशमलव को उड़ाएंगे यहाँ जीरो चल जाएगा, 31 कट गया, 1000 रुपया हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। बात आ रहा समझ में? चलिए, बात आया समझ में? ये चीज याद करने से आप सवाल कितना जल्दी बनाए। कैसे लाए? रेट है 10%, टाइम है 3 वर्ष, और फटाक से हमको पता है कि कैसे निकालते हैं। 10 का क्यू 1000, 1000 के 2 गो 0 लिखेंगे, 2 अंक लिखना है, फिर ऐसा इंटू आर, तो 10 30 दहा 310, 310 के 10 लिखेंगे, दशमलव देंगे, हासिल वाला 3 इधर आ गया, इतना प्रतिशत का अंतर आया, यानी 3.1% का अंतर है। और जबकि सीआईएसआई में अंतर 31 रुपया का है, नहीं तो इसका ही 10 गुना है, तो 100 का 10 गुना निकाल देना है, तो 1000 हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए, ये तो आप सवाल देखिए, इस सवाल में क्या दिए हुए है, दर साधारण ब्याज 80 रुपया, उसी धन पर उसी दर से उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों एक बात बताइए, अब इस सवाल को समझ लीजिए, 13 नंबर, अभी जो भी आपने थ्योरी पढ़ा ना उस पर ये सवाल है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 80 रुपया है, उसी धनराशि पर उसी दर से और उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा, साधारण ब्याज कितना होगा? 2 साल है, 4% है, तो 4×8% साधारण ब्याज है? अब कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा रे बाबू 4^2 16.2 बाद प्लस एसआई 4×8 इतना प्रतिशत होगा, इतना प्रतिशत आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी कि आपको 8% का मान दिया है 80 रुपया। तो आपसे पूछा है 8.16% का मान कितना। अच्छा एक बात बताइए, इसका 10 गुना है, 8×10 = 80, तो इसका 10 गुना निकालना है, तो 0.1 और उधर चल जाएगा, 81.6 हो जाएगा, 81.6 के बाद 0 लिख सकते हैं। बताइए कितना आसान है, बात आ रहा है समझ में कि जो हम पढ़ा रहे थे, काहे ऐसा बात पढ़ा रहे थे हैं? हम रेशियो मेथड भी बताएंगे, अब खान सर वीडियो नहीं बना रहे हैं तो खान सर न जानेंगे, हम वीडियो बना रहे हैं ना। मास्टर हमको पता है ना, 1 दशक से ज्यादा हम पढ़ा लिए यही उम्र में, जनरल कंपटीशन वाले बच्चों, कि हम आपको पहले क्या बताएंगे तब क्या समझ में आएगा। आ रहा है ना समझ में? बोलिए, आराम से समझे कि इस साधारण ब्याज 80 रुपया है, तो 2 बरस में 4% के दर से 4×8% होगा साधारण ब्याज, जबकि साधारण ब्याज है 80 रुपया, तो 8% का मान 80। हमको कहता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4^2 16 2 साल के लिए, रेट के स्क्वायर 0.2 बाद प्लस एसआई 4×8, यानी इतना प्रतिशत का मान निकालना है, तो 80/8 कर देंगे और गुना इतना 8.16, सिंपल। अब ये 8×10 = 80, 10 से इसमें गुना होगा तो 81.6 हो जाएगा। सुनिए, कयो ईयर रहेगा तब बनेगा, उसके लिए अभी अब हम टेक्निक बताने वाले हैं। सुन लीजिए कि पीछे तो जो सवाल आप देखे अभी 11-12 देखे ना, ऐसा सवाल को इस तरीके से बनाइएगा, सब सवाल उस तरीके से बनाइएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए कौन तरीका से बनाया जाए। एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है, धनराशि क्या है? दोस्तों
एक बात इसको समझना, चलो वैसे बना के देखते हैं जो अभी हम लोगों ने सीखा। ये क्या है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर है, सीआईएसआई का अंतर है कितना, 122 रुपया। तो एक बात बताओ, सीआईएसआई का अंतर अभी तीन बरस के लिए हमने आपको सिखाया था, रेट का पांच बरस वाला नहीं पूछता है पगला, चार साल का कभी कभी आएगा तो दो साल के निकाल कर भी फॉर्मूला पर रख देंगे रेट का। क्यों, दूसरा काम दो अंक में लिखना है, फिर एसआई गुना आर और तब दशमलव देना है, यही था, इधर जीरो हो गया, अंतर निकालना है। तो पहला काम रेट का क्यू, पांच का क्यू 125 के 25 हो जाएगा हासिल एक, अब एसआई गुने आर, तब पांच पंद्रह, पंद्रह पचे 75, हासिल वाला एक 76, इतना हो गया। इतना प्रतिशत का अंतर सीआईएसआई में, जबकि अंतर है 122 रुपया का। अब 100% का मान निकालिएगा तब मूलधन, देखिए थोड़ा कैलकुलेशन हो गया हार्ड, 122 बटा 76 25 और गुने दोस्तों 100, ये दशमलव यहां है। अब यहां से देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है, इसको फिर भी हम हल करेंगे, इस दशमलव को हटाते हैं तो चार गो जीरो यहां जाएगा, चार जीरो जाएगा क्योंकि तो चार अंक बाद दशमलव था। अब 25 से काटते हैं तो 25 तिहाई 75, एक एक पर दो उतरेगा तो भाग नहीं लगेगा, जीरो तो कितना हो जाएगा 125, 25 पचे 125, 25 पे इसको काटेंगे 25 चौके 100, चार जीरो और, चार जीरो और। अब दोस्तों हम पांच से काट सकते हैं, पांच छक्के 30, पांच एकम पांच, और पांच से इसको काट सकते हैं, पांच अठे 40, तीन जीरो और, रुक जाना, 61 के दुगना होता है 122 और 8 दुना 16,000 हुआ, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, ये कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो गया। हम इसका दूसरा तरीका से अब पढ़ेंगे, जब हमें प्रतिशत में निकालना रहेगा या सीआईएसआई का अंतर दे ले रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन ऐसे अगर हमें तीन बरस का सीआई दे देगा, सीआईएसआई का अंतर दिया, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। हम तीन बरस वाला का भी हम कोई और टेक्निक से देखेंगे जो कैसे हम बहुत आसानी से इसको बनाएंगे। ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा है बाबू रे, हरियाणा में है हम। अब देखिए इस सवाल को देखिए तो बना के आप लोग क्या बना पाएंगे, किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 8% ब्याज की दर से दो बरस के लिए उधार दिया जाता है तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 6.40 रुपया अधिक होता है, तो धन क्या है, क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं। बनाइए, फ्रैक्शन में भी लेके बाबू, पहले तुमको हमको बनाने दो ना, विधि ब्याज को पढ़ना है आराम से। आइए, दो वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है तो अंतर 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64.2 अंक बाद ये अंतर हुआ,
जबकि अंतर कितना है 6 रुपया 40 पैसा का। अब देखिए यहां से सीधा बात कि इसका ये कै गुना है, इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद इधर 1 अंक है, 1000। इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। 100% का अगर मान निकालते हैं तो 6.40 आई आ जाएगा 0.64 और गुना कितना हो जाएगा 100। अब दशमलव 2 अंक बाद यहां भी उड़ा दिए, यहां भी उड़ा दिए, 64 दहाई तो बस 1000। तो इसलिए हमको ये चीजें पढ़ना था, बाकी हम दूसरा तरीका भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे सवाल आएंगे जैसे फ्रैक्शन वाला का इसे स्क्वायर करना मुश्किल है, क्यों करना इसे मुश्किल है, तो अभी हम बताएंगे उसका टेक्निक, आप भागिए नहीं ना केवल। चलिए इस सवाल को बना सकते हैं आप लोग, देखिए तो किसी धनराशि पर 5% के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तदनुसार वह धनराशि 5% के दर से 2 साल के लिए 0.25% का अंतर आएगा, जबकि अंतर बोला है कितना 1.50 रुपया का। तो 100% का मान हम निकाल देंगे कैसे, 1.50 / 0.25 और गुना हमारा 100। दशमलव 2 अंक बाद यहाँ भी, 2 अंक बाद यहाँ भी, 25 × 6 = 150 होता है, हमारा 600 आंसर हो जाएगा। दोस्तों 600 हो गया हमारा झट से, ऑप्शन ए सही। अब देखिए एक धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष में 1352 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। यह मिश्र धन दिया हुआ है। अब हम सीखेंगे लूर, एक बात बताओ, अब अगर ऐसे हम बनाएंगे कि 4% के दर से 2 वर्ष में अगर CI निकाले तो 4 × 16.2 अंक बाद 4 × 2 = 8 इतना प्रतिशत, तो मिश्र धन कितना हुआ, तो मिश्र धन के लिए 100% जोड़ना होगा, तो 108.16% होगा, और इसके बराबर लिखेंगे अगर हम 1352, तब निकालेंगे हम 100% का मान, तो मूलधन होगा 1352/108.16 और गुना 100। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, हमारा हार्ड हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करने में हमें कठिनाई आएगी, ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हम इस सवाल को अब ऐसे नहीं बनाएंगे, अब कैसे बनाने वाले हैं ये सीखिए, सुन लीजिए। अब हम आते हैं 1 नंबर से, इस टाइप के सवाल को अब बनाते चलेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेसिक बात सीखिए, ये जो रेशियो मेथड है ना, 2 वर्ष का अगर CI निकालना हो तो हमें 2:1 याद रखना होता है, याद भी होगा आप लोगों ने किया होगा याद, 2 साल के लिए 2:1। अभी सवाल बनाएंगे कैसे बनाना है, 3 साल के लिए क्या करना होता है, 3, देखिए 2 साल के लिए 2 से शुरू 1 पर खत्म, 3 साल के लिए 3 से शुरू 1 पर खत्म होगा, लेकिन ये पता है ना, तो ये दोनों के जोड़ का बीच में लिख दीजिए 2 × 1 = 3, और फिर लिखेंगे आगे हम लास्ट में 1 पर खत्म करेंगे। 3 साल है तो 3 टर्म होगा, 2 साल है तो 2 टर्म होगा, 1 पर सब खत्म होगा, और जय साल का रहेगा उतना से शुरू होगा। अगर 4 साल के लिए है, 4 साल के लिए तो 4 से शुरू होगा, 1 पर खत्म होगा, उसके बीच में क्या क्या आएगा, 3 × 3 = 6 आएगा, फिर 3 × 1 = 4 आएगा, 3 बार हो गया, अब 1 बार लास्ट में 1 पर खत्म होगा। 5 साल अगर है तो 5 साल के लिए रेशियो याद रखना है, 5 से शुरू होगा, 1 पर तो खत्म होगा ही, बीच में 4 × 6 = 10 आएगा, 6 × 4 = 10 आएगा, 4 × 1 = 5 आएगा, और 1 पर लास्ट में खत्म हो जाएगा। तो हमें 5 साल की जरूरत नहीं पड़ता है, ई खाली आपको याद रखिए, 1 साल के लिए कुछ नहीं, 1 साल का जय परसेंट रेट है उतने ब्याज, रे पगला कहीं का, 1 साल का प्रतिशत ब्याज दर के बराबर ही होता है। अब देखिए हम इसको बताते हैं कि ये हमें जरूरत कब पड़ती है, कैसा सवाल बनाने के लिए जरूरत पड़ता है। दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, सवाल है कि 7500 की राशि, देखिए सवाल शुरू हुआ 7500 की राशि 4% के दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा,
अगर हमको प्रतिशत में निकालना रहता तो सिंपल है, 4 के स्क्वायर 16.2 अंक बाद 4 × 2 = 8 दोस्तों हमारा आंसर हो जाता कि इतने प्रतिशत, समझे कि नहीं, इतना प्रतिशत हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में। लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछा, रुपया में पूछा। तो अगर ऐसे हम बनाते हैं तब तो हमें करना होगा जो राशि है ना 7500 उसका 8.16%। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हार्ड हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब है बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, आई दशमलव उड़ाएंगे तो फिर 2 गो 0। अब 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काटेंगे, अब 25 × 75 25 × 100 करेंगे, 4 × 2 = 8 4 × 4 = 16 करेंगे, यानी 3 × 2 = 6 4 × 3 = 12 612 होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, ये कैलकुलेशन हार्ड है। अगर प्रतिशत में पूछता तो बस वैसे ही रगड़ दीजिए, लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, तब क्या करना है सीखिए, तब क्या करना है, ये तरीका नहीं लगाना है। 4% का मान फ्रैक्शन में निकालिए, 4% का मान 1/25 होता है, ठीक है, या आप सिंपल काम ऐसे भी कर सकते हैं। ये 2 साल है ना, तो 2 साल के लिए आपको रेशियो याद क्या किए हैं, 2:1। आपको सबसे पहला काम करना है जो राशि है उसका 4% निकालिए, तो प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 75 × 4 कितना 300, 300 यहां लिख दिए, और फिर 300 का 4% निकालिए, 300 का अब 4% निकालिए, तो प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 4 × 3 = 12 यहां, और क्या करिए गुना करके जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए और जोड़ लीजिए, 3 × 2 = 600 हुआ, और प्लस 12 × 1 = 12 हुआ, 612 आपका आंसर हुआ। तो सवाल ऐसे बनाइएगा, चलिए एगो मुन्ना कुमारी है कहती है बक हार्ड है, सुनिए क्या किया मैंने, अगर 2 साल है तो रेशियो हमको लिखना है, 2 से शुरू होगा 1 पर खत्म तो सब होना है, 7500 का 4% पहले निकालिए, तो प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 75 × 4 = 300, क्या कि 75 × 2 = 150, 150 × 3 = 300। अब उसके बाद इसके सामने क्या लिख देना है, अब जो 300 लिख लिए हैं 300, तो अगला बार इस 300 का 4% लिखिएगा, तो 300 जो आया है इसका 4% क्या होता है, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 4 × 3 = 12, अब गुना करके ऐड कर लीजिएगा, 3 × 2 = 600 + 12 = 12, 612 आपका आंसर। दोस्तों अब आइए दूसरा सवाल, देखिए हमको क्या करना होगा, 7200 रुपया है और 2 बरस के लिए बोला है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 बरस के लिए ना, तो 2 बरस के लिए रेशियो तो 2:1 याद रखते हैं, ठीक है, 5%, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, अब 5 × 2 = 10 और 7 × 2 = 14 = 15 है, 2 × 5 = 10 और 7 × 35 = 36 ना, 360 दोस्तों, ये 360 आया पहले, अगली बार ये 360 का फिर 5% निकालिए, 5% निकालिए, 0 से 0 कट गया, 5 × 2 = 10 18 बार में ही कट गया, तो यहां 18 गुना करके दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर लीजिए, 36 × 72 = 720 18 कितना 738 आपका आंसर 738 लीजिए, ऑप्शन बी चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। आ रहा है समझ में, अब प्रतिशत में अगर पूछ लेता तो बताइए, तो कहता 7200 रुपए की राशि 5% प्रतिवर्ष के दर से 2 बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, उसका चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में कितना होगा, या कह देगा कि 2 बरस में 5% के दर से कोई मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा, ऐसे सवाल पूछ देता है, कोई भी मिश्रधन जो है मूलधन से कितना अधिक होगा, तो सीधा कहिएगा कि वो जितना ब्याज होगा, तो 5 के स्क्वायर 25.2 अंक बाद प्लस 5 × 2 = 10 10.25% आपसे सवाल ऐसे पूछ देगा कि मिश्रधन मूलधन से कितना प्रतिशत अधिक होगा।
देखिए अगला सवाल, 5% ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए अवधि में 6300 की राशि कितनी हो जाएगी निकट पूर्णांक तक पूर्णांकित। तो देखिए 2 वर्ष के लिए है, झट से 2 वर्ष का क्या करेंगे हम, रेशियो लिखेंगे 2:1 का। अब 5% जो मूलधन है 6300 ना, जो मूलधन है उसी का निकालेंगे पहले हम 5%, प्रतिशत से गया तो 60 × 5 = 315, अब फिर 315 का 5% निकालेंगे, 2 बार है तो ये पहला बार आई, 2 बार दूसरा बार। तो चलिए तो आप यहां ये कर सकते हैं, प्रतिशत का मतलब तो होता है बट्टा में 100 हटाने के लिए 2 अंक बाद दशमलव, तो ये 5 × 1500 और 15 × 5 = 75.2 अंक बाद। दोस्तों पहले जो आया 5% 315 आया और 315 का 5% 15.75 आया, हम इसको गुना कर लेंगे और ऐड कर देंगे तो क्या करेंगे, ये 630 हुआ और प्लस ये तो उतना ही 1575, तो ये कितना हो गया 645.75। आपसे कहता है क्या जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि में 6300 की राशि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मिश्र धन पूछा है, इतना ब्याज आया तब ब्याज को जोड़ दीजिए, 6300 में 600 जोड़िएगा 6945.75, 6945 के आसपास है ना, 6945.46 रुपया, सॉरी 6946 हो गया 69। देखिए ये ब्याज है आपका, ये क्या निकल के आया है 2 साल का ब्याज, इसमें जोड़िएगा 6300 में 600 तो 6945.75 तो 6946 के निकट है, निकटतम बोला है। लॉकडाउन लगेगा क्या सर फिर से, मोदी जी से तो बात नहीं हो रही हमारी, नहीं तो दोस्तों ये बनाने में आपका दिमाग हल्लुक हो जाएगा, एकदम पगला जाइएगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा वैसे अगर बनाइएगा इसको, तो प्रतिशत में जब निकालना रहेगा तब वैसे बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए तो सवाल है, 2 वर्ष की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज की 6% वार्षिक दर से 7250 की राशि कितनी बन जाएगी, माने मिश्र धन पूछा है, तो 2 वर्ष के लिए है तो हमको तो याद है रेशियो 2:1 का, 6% निकालेंगे 7250 का। तो देखिए यहां पर 7250 का 6%, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया और 2 से काट दिए तो 5 बार में 2 से काट दिए 3 बार में, और 5 से इसको काट सकते हैं, 5 × 1 = 5, 2 बचा, 5 × 20 = 25, नहीं ठीक है, 5 × 3 = 15 हासिल 1, 14 × 3 = 42 आए 1 = 43, तो 435 आया। अब फिर 435 का भी 6% निकाल दीजिए, 6% निकाल लीजिए तो कुछ नहीं, इसको गुना कर दीजिए, 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 5 × 6 = 30 0 हासिल 3, 6 × 3 = 18, 3 × 21 = 1 हासिल 2, 6 × 6 = 24 + 2 = 26, दशमलव जाएगा 2 अंक बाद 26.10। तो पहला आया 435 और दूसरा आया 26.10। अब इसको दोनों को गुना करिए एकरा में और जोड़ लीजिए, इसको गुना करिएगा तो 870 हुआ और प्लस ये तो उतना ही 26 इतना। अब इसको जोड़ देते हैं तो हमें क्या पूछा है, कितनी बन जाएगी टोटल, मिश्र धन पूछा है पहले, तो इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 तो उधर रहेगा, अब ये 6 आएगा, 7 × 2 = 9 आएगा, ये 896 रुपया जोड़ना है उसमें 7200 में, तो कितना हो जाएगा 896 रुपया 10 पैसा, 0, 1, 6, 9, 5, 14 = 4 हासिल 1, 8, 2, 10, 1, 11 = 1 हासिल 1, 7, 1, 8 81.46 लगभग बोला है, निकट पूर्णांक तक पूर्णांकित, यानी 81.46 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 वर्ष वाला हो जाएगा, अब हमको बताने की जरूरत नहीं है, 2 वर्ष वाला हो जाएगा,
दो वर्ष वाला, इसमें देखिए तो यदि किसी राशि पर 5% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है तो वह राशि कितनी है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कैसे बनाइएगा इसको 5% के दर से 2 वर्ष का? तो एक तो सिंपल उपाय है, 5 के स्क्वायर 25.2 अंक बाद प्लस एस आई, 10.25% होगा एस आई सॉरी सी आई, जबकि सी आई है 328 रुपया। अब 100% का मान निकालिएगा, 100% का मान निकालिएगा तो क्या करना होगा, 328 10.25 × 100, थोड़ा सा काटने में ही हार्ड होगा, दशमलव हटाइएगा तो यहां 2 जीरो जाएगा, फिर 25 से काटिएगा 41 बार में, 25 से काटिएगा 25 चौके 100, और इसको 8 से 8 = 8, 8 चौके 32, 8 बार में 8 चौका 3200, 3200 ऑप्शन सी। चलिए बना लीजिएगा, एक धनराशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है? वाह, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाती है, 4% के दर से 4 के स्क्वायर 16.2 अंक बाद प्लस एस आई, 4 × 2 = 8, इतना प्रतिशत हुआ जबकि दिया है 1352, 100% का मान निकाल देंगे तो मूलधन हो जाएगा 1352/8.16×100। नहीं सॉरी, 1352 जो हो जाती है ये क्या हो जाती है, ये मिश्र धन है, मिश्र धन है, वो है मिश्र धन, 4% की दर से 2 वर्ष में वो मिश्र धन है, तो हमारा तो हो गया 4 के स्क्वायर 16.2 अंक बाद 4 × 2 = 8, यानी मिश्र धन 108.16%। अभी ये तो इस पर चर्चा किए थे, बराबर 1352 इस सवाल को बनाए हैं। दोस्तों एक सवाल हम आपको लिए चलते हैं, आइए मान लीजिए कि रेट है 3.1/3%, टाइम है 3 वर्ष, मूलधन है 54,000, सीआईएसआई का अंतर आपसे पूछ लिया जाए, ये सवाल ठीक ठाक है? 108 कर दिए, 8.16% ब्याज हुआ था ना, 100% मूलधन होता है, काहे कि देले था 1352 मिश्र धन, तो ब्याज और मूलधन जोड़ लिए तो 108 हुआ था, ये सवाल ठीक है, आइए इसको पढ़ना जरूरी है ना। आइए देखिए, तो देखिए आपको क्या करना है, एक तरीका हम आपको बताते हैं, बहुत सिंपल तरीका, कोई बड़ा बात नहीं, इसका कोई भी चाहे वो पूर्णांक में रहे या फ्रैक्शन में रहे, उसका झट से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इनका ना भिन्न में मान निकाल लीजिए, 1/3 आता है इसका भिन्न में मान, 33.1/3% का मान, 33.1/3 देखिए, 33 × 99 = 100, 100/3% हुआ, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, 1/3 आया ना, तो 33.1/3% का मान होता है 1/3। हम रेशियो मेथड पर इसको बनाएंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे, देखिए 1/3 हुआ ना दोस्तों, तो इस 3 को देखिए, यानी कि 3 रुपया पर ब्याज 1 रुपया मिलेगा, इस प्रतिशत का यही मतलब होता है।
अगर 5% दर है इसका क्या मतलब है, 5/100 इसका मतलब 100 रुपया कर्जा लगाने पर 5 रुपया ब्याज होता है, ये बात है और कोई बात नहीं है। यानी कि 3 रुपया लगावे पर 1 रुपया ब्याज आएगा। जब 3 साल है ना तो इसका क्यू कर लीजिए, 3 का क्यू कितना होगा 27। इस 27 को टोटल धन समझिए और 3 साल है ना तो 3 गो यहां पर खंभा खींच दीजिए हाँ। और देखिए रेट है 1/3 यानी हर साल 1/3 ब्याज मिलेगा। इसका 1/3 इस साल भी, इस साल भी, इस साल भी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो 27 का 1/3 कितना आएगा 9। देखो ये हमेशा वही चीज आएगा जो इससे कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/3 आया, हम 3 के पकड़कर क्यों कर लिए, 3 साल था तो 3 का क्यों कितना हुआ 27। अब 27 के 1/3 9, इस साल भी 9, इस साल भी 9। तो दोस्तों ध्यान देना, 9 रुपया ब्याज अगर पहला साल आया तो दूसरा साल भी 9 रुपया आएगा, इस पर 9 रुपया आ गया, इसका 9 रुपया, लेकिन पहला साल वाला जो 9 रुपया ब्याज था उसका भी 1/3 आएगा। तो अब इसका 1/3 यहां लिख दीजिए, यानी दूसरा साल, पहला साल 9 रुपया ब्याज आएगा, दूसरा साल 9 × 3 = 12 रुपया ब्याज आएगा। यहां तक समझ गए होंगे। तीसरा साल क्या होगा कि पूरी जो मूलधन है उसका तो 1/3 9 रुपया आना ही है और पहला साल वाला का भी 1/3 यानी 3 रुपया फिर आएगा, दूसरा साल वाला जो 9 रुपया ब्याज था उसका भी 1/3 यानी 3 रुपया आएगा और दूसरा साल जो 3 रुपया ब्याज था उसका भी 1/3 यानी 1 रुपया आएगा। या हम ऐसे निकाल देते 9 × 3 = 12 रुपया दूसरा साल ब्याज, उस 12 का 1/3 अगला साल यानी 4 रुपया, तो 3 × 1 = 4, 9 का 1/3 और 3 का 1/3 3 × 1 = 4 हुआ। अब पूरा आप समझ लीजिए इसको ऐसे कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान होता है, तो 3 साल का साधारण ब्याज हुआ 9 9 9, साधारण ब्याज हुआ 27 यूनिट कहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज तो 9 9 9 27 और फिर 9 27 और 9 कितना 36 और 3 39 41, और यहां समझिए 9 × 3 = 27 27 + 3 = 30 + 3 = 33 + 3 = 36 + 1 = 37 37 हुआ, यानी 37 यूनिट कहिए कि सीआई हुआ। दोनों में अंतर कहिएगा तो 10 यूनिट का, ऐसे समझिए 10 यूनिट का। साधारण ब्याज हर साल समान, तो 3 साल का साधारण ब्याज 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, चक्रवृद्धि ब्याज में सब जुड़ जाएगा, 9 × 3 = 27 हुआ, 27 + 3 = 30 + 3 = 33 + 3 = 36 + 1 = 37, 37 सीआई हुआ, 27 एसआई हुआ और दोनों में 10 यूनिट का अंतर हुआ। दोस्तों अब मूलधन दिया हुआ है 54,000 जबकि 27 यूनिट = 54,000 है, 54,000 जो है ये मूलधन है और जबकि यहां यूनिट में 27 मूलधन है, तो 1 यूनिट का मान कितना 27 से भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का मान, और अंतर लाना है सीआईएसआई में तो 10 यूनिट का मान लाना है, 10 से गुना 27 × 54, 27 × 54 2012 में कट गया, यानी 2000 में 10 से गुना हुआ, 20,000 रुपया का अंतर हो जाएगा सीआईएसआई का। ठीक है 20,000 2009। मजा आया? चलिए एक बात समझिए, ये सवाल देखिए अभी बनाए थे हम लोग, एक तो वो तरीका प्रतिशत वाला, दूसरा एक और तरीका याद रख लेना कि 2 वर्ष का ना सीआईएसआई का अंतर निकालना हो तो पी इंटू
आर बटा हंड्रेड का स्क्वायर। इसमें या तो दो बरस के सीआईएसआई का अंतर दे देगा, यहां लिख दीजिएगा तो मूलधन निकल जाएगा, मूलधन दे देगा तो अंतर निकल जाएगा। जैसे इस सवाल को देखिए इस तरीका से, डेढ़ रुपया का अंतर है तो डेढ़ यहां लिख दिया मैंने, बराबर धनराशि निकालनी है तो धनराशि निकालेंगे, आर बटा सौ, रेट है पांच बटा एक सौ स्क्वायर है, पांच से सौ को काटे बीस बार में, बीस के स्क्वायर चार सौ, चार सौ आके इधर गुना हो जाएगा, एक दशमलव पांच जीरो में गुना कौन हो जाएगा चार सौ, उधर बच जाएगा पी, क्योंकि पांच से सौ को काटे बीस बार में, एक बटा बीस का स्क्वायर एक बटा चार सौ, चार सौ आके इधर गुना हो गया। अब दशमलव से दो जीरो इसका उड़ गया, पंद्रह चौके साठ एक जीरो, यानी पी बराबर कितना हो गया छ सौ। इस तरीका से भी बना सकते हैं अगर दो बरस के सीआईएसआई का अंतर दिया हुआ है तो। दोस्तों एक तरीका भी मैंने आपको बताया था, रेट के स्क्वायर दशमलव दो अंक के बाद हो जाएगा सीआईएसआई के अंतर, ऐसे भी निकाल लिए, और जबकि अंतर है इतना का 1.50 का, 100% का अंतर कितना, सॉरी 100% मतलब मूलधन कितना, तो 1.50 बटा 0.25 और गुना हमारा कितना 100, दशमलव से दशमलव उड़ा 25 छके 150, यानी 600 हमारा ऐसे भी हो जाता। तो आपको दोनों चीज बता दिया मैंने कि अगर दो बरस के सीआईएसआई का अंतर पता हो तो डी बराबर या अंतर निकालना हो तो भी पी इंटू आर बटा हंड्रेड का स्क्वायर कर देना है, इस पे भी बन जाएगा। आइए देखिए इस सवाल को भी वैसे बना सकते हैं, एक तरीका तो आपने देखा, दूसरा तरीका ये है, सीआईएसआई का अंतर दिया हुआ है दो बरस है तो हमसे पूछता है तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक होता है, किस धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर, किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, हाँ तो डी दे दिया है छ रुपया चालीस पैसा, फॉर्मूला वही डी बराबर पी इंटू आर बटा हंड्रेड का स्क्वायर, तो पी निकालना है, आर कितना है आठ, हंड्रेड बट्टा में लिखेंगे स्क्वायर करेंगे। बोलिए इसको वैसे ही रहने देते हैं, काहे कि हमको दिख रहा है कि बड़ा आसान है, आठ के स्क्वायर चौसठ, एक सौ के स्क्वायर मतलब चार जीरो हो जाएगा दस हजार। अब यहां से दशमलव हटाते हैं तो बट्टा में दो जीरो आता है, ये दो जीरो से ही दो जीरो को खत्म कर दिया, चौसठ से इसको काट दिया दस बार में, ये दस जाकर इधर गुना हो गया तो पी बराबर कितना हो गया भैया एक हजार। आप ऐसे भी बना सकते थे, बताइए बन सकता है ऐसे, एक बुक है वहां पर वो जो मोटा वाला बुक वो लेके आइए। तो एक सवाल देते हैं आप लोग को खतरनाक, दोस्तों ये तीन बरस वाला है तो एक तो हम लोगों ने तरीका देख लिया है बनाने का, दूसरा तरीका अब देखते हैं। देखो तीन बरस है ना, 5% वाला भी पढ़ाए थे ना, 5% जो रेट है इसका भिन्न में मान ले लो, 5% का मान 1/20 हुआ भाई, 5% का मान 1/20 हुआ, क्या करो तीन साल है तो 20 का क्यू कर लो, 20 का क्यू कर लो और यूनिट में समझो कि ये इतना यूनिट मूलधन है, 20 का क्यू कितना होगा 8000, 8000 इसको समझ लिया, तीन साल है तीन को डंटा घींच दिए और क्या करेंगे, 20% का 5% का मान 1/20 होता है, 1/20 पहला साल भी ब्याज आएगा, 1/20 दूसरा साल भी, 1/20 तीसरा साल, जीरो से जीरो और 20 से इसको काटेंगे तो जीरो से जीरो, दो से काटेंगे 400 बार, 400 पहला साल 400, तो अगला साल इतना का 1/20 यानी 400 तो आएगा ही, अब पहले साल वाला का भी 1/20 आएगा तो इसका 1/20 कितना होगा 20, तीसरा साल इसका 1/20 तो 400 आएगा ही, पहले साल वाला का भी 1/20 आएगा, दूसरे साल वाला का भी 1/20 आएगा, ये 400 का, अब 20 का भी 1/20 तो एक आएगा,
टोटल साधारण ब्याज अगर आप समझना चाहते हैं तो 400, 400, 800, 400, 1200 यूनिट हुआ साधारण ब्याज। आप टोटल चक्रवृद्धि ब्याज जानना चाहते हैं 400, 400, 400, 1200, 1200 के बाद 20, 20 और 20, तो 20 60, 1260 है 61, 1261 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में कितना यूनिट का अंतर, तो 61 यूनिट का अंतर। दोस्तों यूनिट में अंतर 122 का दिया है, यानी 61 यूनिट का वैल्यू है 122, यानी डबल है। हमसे पूछा है कि धनराशि कितनी है, तो धनराशि टोटल यूनिट में तो 8000 है धनराशि, टोटल यूनिट में तो 8000 धनराशि है। तो जब 61 का वैल्यू 122 है यानी दुगुना है, तो 8000 का दुगुना कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। हम ऐसे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड नहीं होगा, ऐसे बनाने में बड़ा इजी बनता है। आ रहा है समझ में? एक सवाल हम आपको देते हैं ताकि अभी बहुत कुछ आपने सीखा, और एक चीज अगर आप सीख जाएंगे तो खतरनाक हो जाएंगे आप। एक सवाल है, मान लीजिए कि ये मूलधन दिया हुआ है आपका 15000 रुपया, 15000, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। CISI का तो अंतर निकाल दीजिएगा आप लोग, लेकिन CISI का अंतर दिया हुआ है 96 रुपया, तो रेट पूछ लिया है कि क्या होगा, अब मजा आएगा। ये चीजें अभी तक हम लोगों ने आज के क्लास में नहीं पढ़ा। हम ये पढ़े थे कि 1500 रुपया रहता, 2 वर्ष रहता, रेट कुछ रहता, तो हम CISI का अंतर निकाल लेते। CISI का अंतर हमको पता है कि 96 रुपया है, तो रेट क्या होगा, बना सकते हैं आप लोग? बीके टेक्निकल जोन कहते हैं कौन सी मेथड सही रहेगी। दोस्त जब प्रतिशत में कुछ पूछेगा तो जो हमने पहले बताया था प्रतिशत में निकाल कर बनाने के, तो बनाना, बाकी इस मेथड का इस्तेमाल कर लेना। बनाइए, जल्दी बनाइए, तो इस सवाल को बनाइए। कुछ लोग 8% कह रहे हैं। 5 बजे लाइव आता हूं मैं। दोस्त ध्यान दो, मैंने 2 साल के लिए CISI के अंतर के लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या D/P/R/100 का स्क्वायर। अच्छा, ये बहुत सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल। तो डिफरेंस दिया हुआ है हमारा 96 रुपया, मूलधन भी दिया हुआ है 15000, आर नहीं पता है तो आर स्क्वायर होगा, और 100 का स्क्वायर जब होगा तो बाबू रे 1/4 जीरो हो जाएगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो तो इसका उड़ाइए देंगे हम, अब 5 × 2 = 10 तो 5 × 3 = 15 भी उड़ा देंगे, और 3 × 32 = 96 उड़ा देंगे। 32 × 2 = 64 हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, तो निश्चित है कि R के मान 8 हो जाएगा। हमें कोई नहीं बचा सकता इस सवाल को मारने से, खत्म करने से, इसको कोई नहीं बचाएगा। बताइए, इस फॉर्मूला को याद रखने से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, सुन लीजिए। डिफरेंस निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, और रेट निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास ये बताइए, और अच्छा लगा है तो लाइक नहीं किया अभी तक बताइए, फिर कल का क्लास हम लेके आएंगे। और आज जैसे मैंने बेसिक के साथ साथ आपको प्रश्न करवाए हैं, है ना, वैसे कल के क्लास में फिर 5 बजे हम ऐसे ही बेसिक के साथ क्लास करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो चीज का हम बेसिक सीखेंगे फिर उसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे, वैसे क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छा से समझ में आएगा। और आज आपने जितना चीज पढ़ा है इसको खुद से एक बार कॉपी पर लिखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए,
प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है बाबू, बहुत जरूरी। चलिए चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, बाय, लव यू। कि तुम्हें देखे मेरी आंखें